हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ था उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। 23 जनवरी से अवेलेबल है। अराउंड 50,000 के आसपास वैकेंसी जारी हुई थी कांस्टेबल की, तो उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा उनको क्या करना है, और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो कृपया लास्ट तक इस वीडियो को देखें। और कैसे डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम डेट कहाँ मेंशन है, सब चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ लाइन से। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, जो कि है आपको uppb.gov.in। ये कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट uppb.gov.in, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर जाइए डायरेक्ट। यहाँ पर जैसे ही जाते हैं देखिए, सबसे ऊपर जो आ रहा है लिंक टू डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म, ये जो फर्स्ट लिंक है यही एडमिट कार्ड का लिंक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। एडमिट कार्ड के लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं हम, देखिए यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो हम यूजर आईडी आपके सामने डालते हैं और डेट भी डालेंगे। ये हो गया यूजर आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ मैं। ओके, और लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे देखिए न्यू टैब खुलेगा और यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक आएगा। वैसे मैं जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अप्लीकेंट्स का टोटल डिटेल्स आ रहा है, सिटी स्लिप आ रहा है। ओके, ये कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, उसका सो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। जैसे एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए एडमिट कार्ड में सब चीज़ दिया हुआ है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, एड्रेस दिया हुआ है, इसके साथ आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है ये मेंशन किया है। 27 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, 3 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, सब चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आपका टेस्ट सेंटर कहाँ है, देखिए ये लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज, टेस्ट सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में है, त्रिवेणी नगर में। तो दोस्तों यहाँ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप ले जा सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, तो उनके लिए मैं तो सिंपली यही सुझाव दूंगा कि वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये यूपी वाला, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये एक बार आप एग्ज़ाम जाने से पहले ये सब चीज़ पढ़ ले, एक एक ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पॉइंट वाइज ये सब अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद ही जाएँ एग्ज़ाम देने। और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ लेना है, ये देखिए लिखा हुआ यूज ऑफ पेंसिल इंक जेल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो आपको केवल केवल आपको ये सब, देखिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं ले जानी, पाउच लेखन पैड ये सब कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक। आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें भी नहीं ले जानी है। आपको एक अपना आईडी लेके जाना पड़ेगा और आईडी ओरिजिनल आईडी लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका इमेज हो, और कौन कौन सी आईडी मान्य है मैं आपको उसका लिस्ट दिखाता हूँ अभी। और ये मैं बता रहा था कि जिसका अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट एक हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट हेल्पलाइन नंबर गूगल कीजिएगा, ठीक है। और ये आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल रहा है यहाँ पे देखिए दो ये नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर 1 2 1 3 नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पे आप फ़ोन करके एक बार बात करें इसके लिए कि सर मेरा एग्ज़ाम है इतने तारीख को और अभी तक मैं एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाया हूँ। तो दोस्तों ये रहा, और आपको क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में ये मैं बता दे रहा हूँ। आईडी के रूप में क्या क्या ले जा सकते हैं, देखिए आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक पासबुक, स्कूल का फोटो युक्त पहचान पत्र, कॉलेज, ये जो चीज़ें लिखे हुए, फोटो युक्त राशन कार्ड, ये सब चीज़ें